नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। चुनावर क्षेत्र की ग्राम पंचायत जोधेवाला की मूलभूत जल समस्याओं का जल विभाग के उच्च अधिकारी एक्शन गुरुदर्शन सिंह ब्राड़ और ग्रामीणों के साथ शोकत वार्ता में ठोस आश्वासन देने पर ग्रामीणों की सहमति से धरने को हटा दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार तीसरे दिन धरने में भूख हड़ताल पर बैठे समाज सेवी शमशेर सिंह और ग्रामीणों के बीच हुई वार्ता में उच्च अधिकारी ने 1.5-2 माह के अंदर नया वाटर बनाने का ठोस आश्वासन दिया गया, जिस पर ग्रामीणों ने अपनी सहमति जताते हुए धरना हटाने को राजी हो गए। जोधेवाला गांव के मुख्य द्वार पर रथ पर विराजमान श्री कृष्ण भगवान को लड्डुओं का भोग लगाकर धनुर्धर शमशेर सिंह को अधिकारी एक्शन बीडी सिंह द्वारा लड्डू खिलाकर भूख हड़ताल तोड़वाकर धरना हटाया गया। जल विभाग के अधिकारी का कहना है कि ग्रामीणों की जायज मांगों का 1.5-2 माह के अंदर जल मिशन योजना के तहत अतिशीघ्र जल समस्याओं का समाधान करवाकर ग्रामीणों को राहत दिलवा जाएगी। धरना स्थल पर आए अधिकारी के साथ हुई वार्ता में ग्रामीण राजेंद्र बिश्नोई सोसाइटी अध्यक्ष भामाशाह शेर मोहन लाल मदान बाबा बलदेव सिंह युवा कांग्रेस नेता अवतार सिंह गिल सिंह उप सरपंच चुन्नी देवी कुलदीप सिंह ढिल्लो सेवक सिंह देवल गुरदीप सिंह सुखमंदर सिंह सागरवाला गुरजंट सिंह जगतार सिंह करनैल सिंह इंद्रपाल रेणु गुद्दूवाला गुरचरण सिंह नंदलाल हरीश मेहता करण जग्गा महेंद्र कुमार सागरवाला गुरतेज सिंह पूर्व वार्ड पंच सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। इस दौरान सड़क पर पशु चिकित्सालय की जन समस्याओं के प्रति संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बजट के अभाव का कारण बताया। उन्होंने कहा कि बजट आते ही सबसे पहले चुनावर बस स्टैंड से सागरवाला की क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। चुनावर के निवासी गुरदीप सिंह जी जोधेवाले के आप यहाँ धरने पर मौजूद हैं, तो ये क्या क्या समस्या है? समस्या एक तो ये रोड वाली है, 5-6 साल से ऐसी पड़ी है। दूसरा जो पानी की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। सारी गर्मी टैंकर से पीते हैं लोग। अब पहले 300 डीजल महंगा, 400 रुपया लेने लग गया टैंकर वाला। जब नहर बंद हो जाती है तो दूसरे गांव से भर के लाते, गांव वाले भरने नहीं देते। बहुत बड़ी समस्या है ये, इसकी सुनाई होनी चाहिए जल्दी जल्दी, इसको शुरू करवाया जाए। हाँ जी, प्रशासन को बिल्कुल। ये देखो भी आज के दौर में डिजिटल इंडिया में आज लोग प्यासे हैं, पीने का पानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल जायज मांगे जायज मांगे हैं। उनको जल्दी जल्दी प्रशासन पूरा प्रयास करे और यही मेन मांगे हैं। जोधेवाला के सेठ जी, हाँ जी, आप धरने पर बैठे हैं। हाँ जी, तो ये जो जन समस्याएं हैं, आपके क्षेत्र की ये सड़क है, पशु चिकित्सालय है, तो ये इस समाधान इनका कैसे होगा? समाधान होगा, ये सरकार करेगी, क्योंकि ये टूटियां जो है सब सड़क टूटी हुई है। अच्छा, सारी चुनावर से लेकर नई बनाई जाए, नई बनाई जाए, नई बननी चाहिए। हाँ, ये अपने पानी की समस्या है। अच्छा, और एक वाटर बस का काम भी नहीं हुआ का, तो प्यासे गांव के मर रहे हैं, तो पानी मिलेगा तो ही प्यास बुझेगी। किसी के घर पहुंचता पानी, किसी का नहीं, कुपर पर पानी पहुंचता, सागरवाला से वापस पानी दोबारा आ रहा है, सीधा पानी जाएगा तो सब घर घर में पहुंचेगा। तो प्रशासन फिर क्यों नहीं बना रहा इस सड़क को? बनाएगा, अब मिले हो प्रशासन से? लापरवाही है, बस नहीं बना रहा प्रशासन, लापरवाह है और जनता यहाँ की परेशान हो रही है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जोधेवाला ग्राम पंचायत के सेवक सिंह जी, आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं इनके बारे आपका क्या कहना है? समस्या तो एक तो रोड वाली ही है, अपने चुनावड़ से सागरवाला। हाँ जी, हाँ जी। एक अपना पानी पीने वाला बहुत समस्या है, पेयजल की भी भारी संकट है, क्योंकि सागरवाले में वाटर वर्क्स है और जोधेवाला काफी दूरी पड़ती है, इसलिए ये तो बड़ी दिक्कत है सानू पानी। ठीक है, इसके अलावा और कोई समस्या? तो होर भी है समस्या, तो जिम्मे हम अपना डंगर हॉस्पिटल जगह दे रखी है, वह भी बन गई, प्रशासन करते तो चल भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बड़ी समस्या तो सारा रोड से पानी वाली। ठीक है, ये बड़ी बड़ी, ये दो समस्या गंभीर समस्या है। हाँ जी, तो
प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी है इस सड़क ऐसी। रेणु जी, हाँ जी, क्या समस्या है आप धरने पर बैठे हैं? हमारी ये जूनावर से लेकर सागर वाले तक और चांदना धाम तक सड़क हमारी बहुत खराब है। अच्छा, इतने देर गड्ढे, रात बरसात हो जाए तो पता ही नहीं रहता मोटरसाइकिल वाले को बरसात हुई गड्ढा कितना डूंगा है। अच्छा अच्छा, उसमें गिरकर उसका नुकसान हो सकता है, टोटल भी हो जाते हैं। हाँ, जोधे वाले में वाटर बस के लिए जगह दी हुई है पर वो बन नहीं रहा। अच्छा, प्रशासन इस पर ध्यान ही दे रहा? प्रशासन सोया पड़ा है, कुंभकर्णी नींद। ठीक है ठीक है। हम बहुत, हमारा गुद्दू वाले से हम ट्राली भर कर ले जाते हैं, चूनावड़ तक हमारा एक घंटा लगता है। गंगानगर से हम चूनावड़ से गंगानगर जाते हैं तो हमारा आधा घंटा लगता है। ठीक है, समय बहुत लगता है सड़क टूटी होने के कारण, टायरों की खराबी, बैन के टूटते हैं ट्रालियों के, बहुत नुकसान होता बहुत है, बहुत नुकसान होता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ भाई, जो कुंभकर्णी नींद सोया पड़ा है।